किशोर उम्र में हमेशा ये बात परेशान करती है, मन में हजारों सवाल उठते हैं और वो परेशान करते रहते हैं कि किसको बताए किसको नहीं बताए, क्या ये मुझे चिढ़ाएगा तो नहीं, क्या ये मेरा मजाक उड़ाएगा। लेकिन आपको अपनी मन की बात कहनी चाहिए जिससे आपको सही परामर्श या मशवरा मिले। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। आज हमारे साथ मेहमान है प्रतापपुर के सरपंच चुनाव के दोनों प्रतिद्वंदी डॉक्टर स्नेहा माथुर जी और विनोदनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विनोदनी जी। क्या बात है स्नेहा, वाह, अपने दुश्मनों को तुम नमस्ते करके संबोधित करती हो। नहीं, वैसे भी आपसे मेरी कैसी दुश्मनी। लो, इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ी हो, वही स्थिति की व्याख्या की जाए तो उसके अनुसार तो हम दुश्मन हुए। मेरी लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई है प्रतापपुर के हालात के खिलाफ। और क्या बुराई है हमारे गांव में? बुआ जी ये तो बहुत नाइंसाफी है, इलेक्शन गांव में हो रहे हैं और लड़ाई हो रही है रेडियो पर। विनोदनी जी आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। अरे रहने दो ये मगरमच्छ के आंसू, हम जानते नहीं है क्या? मुन्ना और तुम दोनों के दोनों इसी की तरफदारी करोगी। तुम्हारा तो इसके साथ रिश्ता है ना? अरे मत मारी गई थी जो हम यहाँ आ गए, हमें तो आना ही नहीं चाहिए था। विनोदिनी जी अगर आप यहाँ मुझसे लड़ाई करने आई हैं तो ये लीजिए, मैं खुद अपनी हार मानती हूँ। ये लो, इस हार का हम अचार डालेंगे। इलेक्शन में हार मानो तो जाने। इसका फैसला तो प्रतापपुर की जनता करेगी। ये बात आई सच मुंह से निकल कर अभी आई है ना, प्रतापपुर के लोगों ने तो फैसला कर लिया। अरे आप लोग आपस में छोड़ो, गांव वालों की सुनो। हमारे सुनने वालों ने आप दोनों के लिए कुछ सवाल भेजे हैं। पूछो पूछो। पहला सवाल कि आप दोनों ने गांव वालों के लिए क्या सपना देखा? देखो भाई, हर गांव का अपना तौर तरीका, अपना रीति रिवाज होता है और गांव के चरित्र को बरकरार रखना यही हमारा परम लक्ष्य होगा। डॉक्टर स्नेहा जी आप इस सवाल के जवाब में कुछ कहना चाहेंगे? इन तौर तरीकों में जो खामियां हैं, खास तौर से स्वास्थ्य को लेकर, उन्हें सुधारना मेरा काम हो। ये लो जी, ये लो, हींग लगे ना फिट करी। डॉक्टर का कहा है, उसको तो हर कोई मरीज नजर आता है। हमारे गांव को कुछ नहीं हुआ है, डराओ धमकाओ नहीं, समझी? सिर्फ कहने से हालात नहीं बदल जाते। ये बाहर वाली हमको सिखाएगी। अब बुआ जी झट से दूसरा सवाल पूछ लीजिए, इससे पहले के गिलास में रखा हुआ पानी उबलने लगे। सच कह रहे हो मुन्ना। तो डॉक्टर स्नेहा आप पर आरोप है कि आपने प्रचार किया ही नहीं है। मेरा मानना है कि काम बोलता है, मेरा काम ही मेरा प्रचार है। विनोदनी जी आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे जिसके पास कुछ बोलने के लिए होगा ही नहीं वो प्रचार का खाक करेगा। और ये शहर से आई है मेकअप लिपस्टिक लगाकर, ये का जाने गांव के बारे में। अब विनोदनी जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं खुद का एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अरे पूछो लल्ला पूछो। मैं पूछना चाह रहा था कि ये बाबा पहलवान आपकी मदद क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, हर सच्चा और ईमानदार आदमी उसी उम्मीदवार की मदद करेगा जो गांव का अपना। सच्चा और ईमानदार जैसे बाबा पहलवान जी। बबलू माइक बंद कर दे भाई, मुझे देखा देखा, इसीलिए हम कह रहे थे कि तुम दोनों इसी की तरफदारी करोगे। अरे मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बेकार में आ गए। अरे अरे नहीं विनोदनी जी, हम किसी की तरफ नहीं हैं। और इसके पहले कि यहाँ का तापमान बढ़ जाए हम लेंगे छोटा सा ब्रेक
और आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तो बुआ जी और मुन्ना अब लेंगे सबकी खैर, सबसे अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। एनी टाइम एनीवेयर। बबलू, विनोदनी जी आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक ही कर रहा था। वैसे कुछ नहीं। अरे तुम चुप रहो, जितने तुम ऊपर दिखते हो ना उतने ही तुम जमीन के अंदर हो। अरे अरे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं बना, गलत सोच रही है। देखिए हम इतने ही हैं बस, ना ऊपर ना नीचे, बैठ जा। अरे नहीं इतना ही है। हमारे किसी खास आदमी की सिफारिश से तुम तीनों को हमने बुलाया। जी बाबा जी, हमें बताया गया है कि आप बाप आदमी हैं। और तुम तीनों क्या हो भाई? हम स्पेशलिस्ट हैं बाबा जी, तोड़ फोड़ हमारी विशेषता है। बट चलो तुम्हारे सामान्य ज्ञान का एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। जी बाबा जी, जरूर लीजिए। अच्छा चलो ये बताओ कि अमरीका की राजधानी क्या है? धोबीघाट। तो वॉशिंगटन कहाँ की? तो वॉश तो आया ना बाबा जी, धुलाई में हम एक्सपर्ट हैं। क्या बात है। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं कि 2/2 कितने होते हैं? 8। ये भी बिल्कुल सही है, हमारे गांव में तो 1 होता है। बाबा जी 2 और 2 को बराबर से बीच में काटा, 8 हुए ना। चलो तीसरा सवाल भाई, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध किसने जीता? सिकंदर ने। नाम जो भी हो। वो कैसे? अरे बाबा जी, जो जीता वो ही सिकंदर। जी में तो ऐसी आ रही है कि जूतों की माला बनाकर ना तुम्हारे गले में पहना दूं और डफरिंग का दे दूं सर्टिफिकेट। बाबा जी तोड़ फोड़ के स्पेशलिस्ट हैं हम, तोड़ फोड़ के बारे में हमको सब पता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता कसम से। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो? अरे बाबा जी, पॉलिटिक्स और तोड़फोड़ दोनों एक ही बात हुई ना। एक बात बताओ, कोई कैंडिडेट अपना प्रचार खुद ना करे, उसका प्रचार दूसरे करे, इसका क्या करेंगे? इल्जाम लगा दो, लोगों ने कैंडिडेट से पैसे ले लिए। लेकिन इस बात का यकीन तो नहीं करेंगे कोई? कैसे नहीं करेंगे, कैमरा के सामने अपने 3 बंदे खड़े कर देंगे, सीरीज से नंबर 1 से, तीनों के हाथ में 500-500 के नोट, लोग देखेंगे तीनों नोट एक ही गड्डी से निकले हुए हैं। टेन टेन टेन। बचपन में क्या जासूसी नावल पढ़ते थे। अच्छा चलो दूसरा सवाल, अगर कैंडिडेट की पब्लिक के बीच में अच्छी छवि बनानी हो तो? आसान है बाबा जी, अपने कैंडिडेट को अपने ही आदमी के हाथों बीच बाजार में पिटवा दो, सारी चोटें दिखाई दें, गहरी भले कोई ना हो, क्योंकि बाबा जी सहानुभूति पत्थर से आता है टमाटर से नहीं। एक आखिरी सवाल पूछे, दुश्मन को अगर मारना हो तो पत्थर को सर पे मारे या धड़ पे? बाबा जी कैंडिडेट को हाथ तक नहीं लगाना है, पॉलिटिक्स में खुद को पिटवाकर दूसरे को चोट पहुंचाई जाती है। मगर उसे कोई चोट पहुंचाने पे उतारू हो तो कैंडिडेट को परे रख दो, किसी ऐसे को चोट दो जो कैंडिडेट का बहुत करीबी हो। बहुत बढ़िया भाई, कमाल, मजा आ गया। लेकिन सुनो, स्थिति मैं बताऊंगा और प्लान बनाओगे तुम। हमारी तोड़फोड़ कभी फेल नहीं होती, 100% गारंटी। आप पैसा फेंको, तमाशा देखो। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप पाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। मुन्ना हा? ये अजीब सी आवाजें कैसी है? बुआ जी ये हमारे गांव के किशोर और किशोरियों का सवाल संगीत है। सवाल संगीत? किशोर किशोरी यानी के चंचल मन, जवानी की ड्योरी पर खड़े, मन में हजारों सवाल लिए। कैसे सवाल? वही जो जवानी के दिनों में उभरते हैं। मेरा मन इतना चंचल क्यों है, मेरा तन बदल क्यों रहा है, उत्साह है उमंग है पर सही जानकारी नहीं। इसलिए तो हमने ये कार्यक्रम बनाया है
किशोर का शोर। ऐसे ही सवालों के सही जवाब देने के लिए तो शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम जिसका नाम है किशोर का शोर। तो दोस्तों इसे सिर्फ आप सुनिए नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर देख भी सकते हैं किशोर का शोर। शोर। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर ये है हमारा नया गेम शो जहाँ हम किशोर किशोरिया मिलकर हमारी बातों को सामने रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, शर्माएंगे नहीं, समझेंगे और समझाएंगे और हर उन सवालों का जवाब पाएंगे जो सवाल हमारे मन में उठकर हमारे मन में ही रह जाते हैं। कुछ सवाल, कुछ परेशानियाँ और कुछ जिज्ञासाएं जो हम एक दूसरे से कहने सुनने में झिझकते हैं, लेकिन जब तक नहीं होगा किशोर का शोर तो कैसे होगा उन पर गौर। इसीलिए हम प्रस्तुत करते हैं सच का डब्बा। यहाँ किशोर किशोरियाँ आकर अपनी समस्याएं रखेंगे और हम उन पर चर्चा करेंगे। आपको बताना है कि क्या है सही और क्या है नहीं। तो जोरदार स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञ पैनल का, डॉक्टर स्नेहा और हमारी A&M दीदी सुचित्रा जी का। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले खिलाड़ी गोपाल। और दूसरे खिलाड़ी सोमू। तो आज सच के डब्बे में देखते हैं कौन आया है। मैं 15 साल का हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी यह दिक्कत है कि जो मेरा अच्छा दोस्त है उसकी मूछें निकल आई है और उसकी आवाज़ भी भारी है। जब भी मैं स्कूल में उसके साथ रहता हूँ लोग मुझे लड़की कह के चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है इसका, इसलिए मैं स्कूल जाना बंद कर चुका हूँ और अभी मैं घर पर ही रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। जैसा कि आप सबने अभी सुना कि इनके दोस्त इन्हें चिढ़ाते हैं, इनका मजाक बनाते हैं क्योंकि इनके शरीर का विकास पूरी तरह से भी हुआ नहीं। तो आप लोगों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अभी आप लोग जिस उम्र में हैं इस समय आपका शरीर बदल रहा होता है, आपके शरीर में आपके हॉर्मोन्स में बदलाव आ रहे होते हैं, इसे कहते हैं प्यूबर्टी यानी कि यौवन। अक्सर 10 साल की उम्र से लड़कों के शरीर की लंबाई, वजन ये सब बदलने लगता है, बढ़ने लगता है और करीबन 11.5 से 14.5 साल की उम्र में उनके हॉर्मोन्स में बदलाव, उनके गुप्तांगों में बदलाव, चेहरे और शरीर पर बालों में बदलाव के चिन्ह नज़र आने लगते हैं। लेकिन ये सब बदलाव हर किसी में अलग अलग तरह से होते हैं, इसीलिए किसी को चिढ़ाना या घबराना ये सब सही नहीं है। तो आज हम प्यूबर्टी यानी यौवन के बारे में 2 प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना है क्या है सही और क्या है नहीं। क्या किशोर किशोरियों को बदलते शरीर के साथ बदलती भावनाओं से भी गुजरना पड़ता है? उनके अंदर का गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन क्या इससे जुड़ा है? सही। सही जवाब। जिस तरह शरीर बदलता है उसी तरह भावनाएं भी, ऐसे में जरूरत है अच्छे दोस्तों की, समझाने वाले साथियों की और घर वालों की। अब दूसरा सवाल पूछेंगे अनुराग। दूसरा सवाल ये है, बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं कि उनकी हाइट छोटी रह गई, तो क्या उनकी हाइट कभी लंबी नहीं होगी, उनके शरीर का विकास नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। आपके शरीर की लंबाई, उसका बढ़ना ये आपके माता पिता के ऊपर भी निर्भर करता है कि उनकी कदकाठी कैसी, और उसके अलावा सही व्यायाम, अच्छा खान पान ये बातें भी जरूरी है। तो क्या हमारी हाइट और बढ़ेगी, हमारे शरीर में और विकास होगा? बिल्कुल,
अगर आप सही व्यायाम करें, अच्छा पौष्टिक भोजन करें, तो आपके शरीर का विकास आसानी से हो सकता है। इसके अलावा इस उम्र में युवाओं को कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का भी सेवन अच्छे से करना चाहिए। अब हमारा तीसरा और आखिरी सवाल, जो खुद पूछेंगी डॉक्टर स्नेहा। अपने मन की बातों को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, उन्हें किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से, लोगों को बताने से लोग आपको कमजोर समझेंगे। सही या नहीं? सही। गलत। किशोर उम्र में हमेशा ये बात परेशान करती है, मन में हजारों सवाल उठते हैं और वो परेशान करते रहते हैं कि किसको बताए किसको नहीं बताए, क्या ये मुझे चिढ़ाएगा तो नहीं, क्या ये मेरा मजाक उड़ाएगा। लेकिन आपको अपनी मन की बात कहनी चाहिए, जिससे आपको सही परामर्श या मशवरा मिले। और ये बात बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके घर का कोई बड़ा हो, आपका कोई दोस्त हो या आपका टीचर। तो आज की हमारे विजेता है गोपाल। किशोर कशोर, एक अनोखा गेम शो जो सिर्फ हम जैसे किशोर किशोरियों के लिए। अगर आपके घर में कोई परेशान है, हैरान है, तो यहाँ हिस्सा लीजिए। हम हर किशोर से निवेदन करेंगे कि वो इस गेम का हिस्सा बने। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा। तो मन के हर विकार को दूर कीजिए, हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुँचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा किशोर का शोर। हम जब साथ हो तो हर जंग में जीत भर सकते हैं। हम जब साथ हो तो लहरों में गीत भर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम था किशोर का शोर। आपको कैसा लगा हमें फोन करके जरूर बताइए। तो बुआ जी और मुन्ना, अब लेंगे सबकी खैर। सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। किशोर का शोर, ये वो गेम शो है जिसकी जरूरत सिर्फ प्रतापपुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को है। 12 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। मन में उत्सुकता, बेचैनी और ढेर सारे सवाल उठते हैं। माँ बाप से इसके बारे में बातचीत नहीं होती और दोनों पक्ष इस विषय को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में गलत सलत किताबों से, गलत लोगों से गलत जानकारी मिलती है। इस अज्ञानता के अंधकार में किशोर किशोरियां भटक जाते हैं
किशोर का शोर वो खुला मंच है जहाँ वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं और उन्हें सही जवाब और ज्ञान मिलेगा। इस खेल ने मुझे तो जकड़ लिया है। अगर आपको किशोर का शोर पसंद आया है तो हमें 9268992689 इस फ़ोन नंबर पर मिस्ड कॉल दें। हम आपको फ़ोन करेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Thank you.